हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स लर्निंग बाय रंजीत सर। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि किस तरीके से मैथ्स में प्रिपरेशन करें, कौन से टॉपिक से क्या पढ़ें, उन सब चीज़ों के बारे में आज जिक्र करेंगे। ध्यान से देखिए कि यदि आप इतने टॉपिक कवर कर लेते हैं तो देन यू कैन ऑब्टेन गुड मार्क्स। ओके, बहुत एक अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। तो आज आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं जो बेसिकली आपके पेपर में वहीं से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, इसलिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा और अच्छे से क्वेश्चन को आप समझेंगे मेरे भाई बहन लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। लेकिन जैसे आपका चैप्टर वन मैथ से रियल नंबर है, तो रियल नंबर में बताती है कि एक्चुअल में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस की जो वैरायटी, क्वेश्चंस में कहाँ से पढ़ना है, सबसे पहले आपको जो है एलसीएम एचसीएफ का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है याद होना चाहिए कि एलसीएम एचसीएफ निकालते कैसे हैं। तो यहाँ पे पहला टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ, ये चीज आपको इस पर बेसिकली आपको न्यूमेरिकल प्रिपेयर करना चाहिए, कम से कम 2-3-4 न्यूमेरिकल, 5 न्यूमेरिकल अच्छे से पता होना चाहिए। इसमें अपने कॉन्सेप्ट भी पढ़ा होगा, ये भी बता दे रहा हूँ। जैसे मतलब दो नंबर्स दिए हैं तो उसमें से आपको एक एलसीएम दिया था एचसीएफ निकालने के लिए, तो आप इस तरीके के कॉन्सेप्ट को अच्छे से प्रिपेयर करें क्योंकि ये पेपर में एक क्वेश्चन इससे और आएगा। एमसीक्यू भी हो सकता है आपका, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में भी हो सकता है। तो इसलिए जो है एक पहला कॉन्सेप्ट आपके पास हो गया रियल नंबर्स का, एलसीएम एंड एचसीएफ बेस्ड या फिर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो होता है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होता है। ये कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे आपको पूर्ण पेपर में एक क्वेश्चन श्योर्ड मिलेगा, चाहे वो एक नंबर में हो सकता है चाहे वो टू मार्क्स में भी हो सकता है। क्लियर। अब इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा पार्ट इसमें जो होता है प्यारे बच्चों, ये प्रूव करना होता है कि दिए हुआ नंबर रेशनल है या रेशनल है। जैसे मान लीजिए सपोज आपने पढ़ा होगा कि रूट टू इज इरेशनल, क्या रूट टू इज इरेशनल हो गया, और इसके बाद रूट थ्री हो गया, रूट फाइव हो गया या रूट सेवन हो गया, इस तरीके का बन जाता है। या इस मतलब इस थ्योरम पर आप ये थ्योरम पढ़ेंगे रूट टू इज इरेशनल, और उसी के बेस पे 3, 5, 7 जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको आप बेसिकली क्या करते हैं, आप उन्हें मतलब उसी पैटर्न पर प्रूफ करते हैं। ठीक, इसके बाद या इसी में एक और मतलब पैटर्न है, लास्ट वन पैटर्न है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है प्यारे बच्चों, ये भी आपको ध्यान में रखना है, 3-4 मार्क्स में आएगा ये वाला जो पैटर्न क्वेश्चन है। इसी में एक पैटर्न और आता है जैसे 2+ आपका लिखा हुआ 3√5 को प्रूफ करिए कि ये आपका रेशनल है या इरेशनल है। आई बस समझ में, इस तरीके से कहने का मतलब है इसे भी आपको क्या है प्रूफ दैट इरेशनल प्रूफ करना होता है। तो ये कैसे प्रूफ करोगे, तरीका आपको हमने यहाँ बता रहे हैं, ध्यान से बस समझते। तो मीन्स कहने का मतलब हो गया कि ये हमारा मोस्ट मतलब पॉइंट हो गया चैप्टर वन का, बस इतनी पैटर्न पर हमारे चैप्टर वन से क्वेश्चन बन करके आते हैं। बोलो क्लियर हो गया, ठीक, कोई डाउट? अब आगे बढ़ने वाले तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों रियल नंबर से केवल इतने ही टॉपिक पर आपको क्या करना है, कम मतलब तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करने हैं। ओके, अब इसको हटा देते हैं, रिमूव करते हैं, अगला ध्यान दीजिएगा। अगला है पॉलीनोमियल की बात करते हैं। तो पॉलीनोमियल में देखिए एमसीक्यूज में क्या जाता है, जैसे नंबर ऑफ जीरोज ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ लाइक दिस है, ऐसे आपका मान लीजिए ग्राफ है कुछ इस तरीके का। अब इसमें कितने बेसिकली नंबर ऑफ जीरोज होंगे, तो आपने पढ़ा है कि जहां जहां पे एक्स एक्सिस पे कट करेगा वही हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोज कहलाते हैं। ठीक है, उसके इतने ही जीरोज होंगे, एक तो ये ऐसे एमसीक्यूज में आ जाते हैं। इसके बाद आपका पॉलीनोमियल आता है इक्वेशन भी, मतलब सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के कॉन्सेप्ट पे, मतलब आपका जैसे पॉलीनोमियल इक्वेशन आपको बताया गया मेरे प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस जो है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये जो कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों उसमें आपको बेसिकली इस कॉन्सेप्ट पे बेसिकली 101% श्योर्ड आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनाने के लिए पूछा जाता है। तो उस तरीके का भी क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में भी आ जाता है और या फिर आपको न्यूमेरिकल में भी आएगा। जैसे इन्होंने ये भी कह देते हैं कि सम ऑफ जीरोज जो है आपका अल्फा बीटा समथिंग है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपका समथिंग है, तो उस केस में पॉलीनोमियल बताइए क्या होगा। तो पॉलीनोमियल प्रिपेयर करने के लिए ये कॉन्सेप्ट आप इस्तेमाल करते हैं, ये काफी ज्यादा हर साल पेपर में पूछा गया है। बोलो क्लियर होगी, बात समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत? अब उसमें ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि मान लीजिए सपोज एक जीरोज दिया गया है तो आपका ये पॉलीनोमियल है, तो अदर जीरोज बताइए। ये भी मान लीजिए सपोज आपको वहां पे दूसरा पैटर्न है, टाइप नंबर वन ये था, टाइप नंबर वन ये था, टाइप नंबर टू, टाइप नंबर तीसरा ये लास्ट वन है। मान लीजिए सपोज एक जीरो जो आपको क्या है दिया गया है, 10 अल्फा आपको नोन है और इसके बाद बीटा आपको फाइंड आउट करना है, गिवन पॉलीनोमियल आपको इक्वेशन आपको दे रखा है। तो इस तरीके से भी एक क्वेश्चन आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों पॉलीनोमियल पे बेस, ये आपको ध्यान में रखना है कि अल्फा आपको गिवन होगा, एक जो जीरोज दिया है वो आपको दिया होगा, बीटा आपको निकालना होगा और दिया हुआ पॉलीनोमियल के बेस पर। क्लियर हो गया कि नहीं? तो आप जो है पॉलीनोमियल सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का इस्तेमाल करके आप बेसिकली अदर जीरोज को फाइंड आउट कर लेंगे। वैसे कहोगे सर आप कैसे निकालोगे जल्दी से, तो मैं कहूंगा
होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा सी बाय ए करना। ओके बोलो आगे समझ में। तो ये टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 के तीन तरीके के बेसिकली पॉलीनोमियल टॉपिक से क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोलो क्लियर। ओके मेरे भाई विश्वास के साथ बता रहा हूँ 100% 7 साल 8 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, ये अभी साल 8वां साल है, इतने साल के एक्सपीरियंस के बेस पर ये सारी बातें मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान से बस आप समझते चलिए। बच्चों ने मैसेज किया था कि सर जी जो है आप हमें इंपॉर्टेंट बताइए, मतलब कि जो जो पेपर में आने वाले होते हैं तो इन्हीं पेपर में पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं। ओके अगला हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा चैप्टर 3 पे आते हैं। चैप्टर 3 का जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दिया गया प्यारे बच्चों। यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या टॉपिक आता है प्यारे बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखिए। आपका पहला प्यारे बच्चों क्या टाइप 1 में बात करते हैं। टाइप 1 में बेसिकली क्या होता है प्यारे बच्चों कि यहाँ पर जो है आपको जैसे देखिए इक्वेशन जैसे आपका बेसिकली बात है सर एमसीक्यू बेस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो एमसीक्यू में प्यारे बच्चों क्या आता है कि जैसे यूनिक सॉल्यूशन है, दो इक्वेशन दो लीनियर इक्वेशन दे दिए गए a1x + b1y + c1 = 0 a2x + b2y + c2 = 0। फिर उसमें जो है उन्होंने क्या कहा कि मतलब क्या ये मतलब जो है यूनिक सॉल्यूशन क्या ये दिया हुआ लीनियर इक्वेशन मतलब जो है आपका यूनिक सॉल्यूशन है पैरेलल हमिन से जो है या फिर इनफिनिट मिली सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या नॉन ऑफ दीज है। तो इस तरीके का पैटर्न पर क्वेश्चन जरूर बनता है प्यारे बच्चों, ये टाइप 1 के पार्ट में आ गया। बोलो क्लियर हो गया। टाइप नंबर 2 में क्या होता है प्यारे बच्चों, जैसे आपको सब्जेक्टिव पेपर में जब आप देखते हो तो उस पर्टिकुलर केस में दूसरा आपसे ये हाँ एक और इसी में एमसीक्यू बेस पर एक टाइप नंबर 2 कह लेते हैं कि आपको दिया हुआ उसमें कांस्टेंट लगा देते हैं, उसमें ये कह देते हैं कि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखता है तो उसमें बताइए के की वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए जो है बेसिकली हम क्या करते हैं फिर से अगेन a1 a2 b1 b2 और c1 c2 को फाइंड आउट कर लेते हैं प्यारे बच्चों। और फिर उसमें इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन है तो आपको पता है कोइंसिडेंट लाइन होता है और इसमें तीनों रेशियो क्या होता है आपस में इक्वल होता है तो उसके बेस पे आप फाइंड आउट कर लोगे। बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरीके के पैटर्न का क्वेश्चन काफी आता है। बोलो आया समझ में, क्लियर हो गया। तो ये सब आप नोट करते चलो, पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, अच्छे से प्रिपेयर करो। बात आई सर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ऐसा होता है जैसे मान लीजिए सपोज की जो है आई मीन लेंथ है इतना है, मतलब अब यहाँ पे आपने दो मेथड पढ़ा होगा, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है और एक आपने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है। तो उस पर बेस 100% श्योर स्पीड एंड ट्रेन, जैसे आपका स्पीड और मतलब स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है। तो ट्रेन के आने का एक मिनट एक घंटा ज्यादा हो गया, ट्रेन की स्पीड इतनी हो गई तो ट्रेन इतना लेट हो गया, तो उस केस में बताइए T2 क्या होगा। ये समथिंग इस तरीके का क्वेश्चन आपके पेपर में बन जाता है। तो स्पीड मतलब इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का क्वेश्चन याद रखना पहले बच्चों। यहाँ पे डायरेक्ट आपको ये नहीं कि इक्वेशन दे देगा कहेगा एक्स और वाई की वैल्यू बताओ, सर ऐसा नहीं आएगा। एक और कॉन्सेप्ट होता है प्यारे बच्चों स्पीड डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा प्यारे बच्चों। तो डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम ये बोट से रिलेटेड होता है प्यारे बच्चों, ठीक है ना, मतलब की जो है तो फ्लोइंग एक आपका जो होता है बेसिकली स्टेशनरी मतलब वेलोसिटी होती है और एक क्या होता है मूविंग, और एक आपका जब बेसिकली वाटर फ्लो होता है तो उसे करंट वेलोसिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है उसमें जो स्पीड होता है प्यारे बच्चों अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से हमेशा स्पीड एक्स प्लस वाई होता है, और अप स्ट्रीम में क्या होता है एक्स माइनस वाई होता है। इस पर भी काफी ज्यादा पेपर में हर साल क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है प्यारे बच्चों, ये आपको ध्यान में रखना होगा। बोलो क्लियर हो गया, कोई डाउट आया समझ में। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों एक तरीका तो ये हो गया। एक और लास्ट वन है इसमें प्यारे बच्चों, जैसे मानी रिवर्स ऑर्डर का इलिमिनेशन मेथड से कि मतलब पहले दो नंबर का सम जो है इतना था, दो नंबर है और उनका सम 10 है या समथिंग है, और फिर इसके बाद ये नंबर को रिवर्स कर दिया जाए तो फिर क्या होता है। तो जब रिवर्स कर दिया जाता है तो उसके बेस में यह है या उनका बीच का डिफरेंस इतना है, ऐसा कुछ इक्वेशन आ जाता है। तो वहां पर आप क्या करते सर सॉल्व मतलब इस तरीके का क्वेश्चन पेपर में सब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता है। बात समझ में आ गया कि नहीं, बोलो क्लियर। अब आपको भी सर ये ऐसे कुछ भी आँख में चोले नहीं खेल रहे, आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लो, ये जो बात बोल रहे हैं आपको वहाँ पे पेपर में मिलेगा, आई बस 100% मिलेगा मेरे भाई, ये 7 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। बात समझ में आ गया मेरे भाई, कोई डाउट आगे समझ में। तो ये चैप्टर 3 का कॉन्सेप्ट था कि पेपर कहाँ से बन के आता है। अब ये कहो कि मैं सर जी हर एक टॉपिक गिना दूँ, तो हर एक टॉपिक नहीं गिनाना मेरे भाई, जो पेपर में आता है उस टॉपिक को गिना रहा हूँ। आप नोट कर लो और वही पढ़ लोगे तो भी आप बेसिकली अच्छे मार्क्स को गेन कर लोगे।
होगी मैथ्स में। अगला नेक्स्ट बात करते हैं क्वाड्रेटिक में, चैप्टर नंबर 4 है। बात ये सब क्वाड्रेटिक में क्या आता है प्यारे बच्चों, कभी कभी एमसीक्यू में बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही याद रखना, बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन होता है, नेचर ऑफ रूट्स, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों। नेचर ऑफ रूट्स आपको पता है जब डिस्क्रिमिनेंट डी बराबर क्या निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4, इसी थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर देता हूँ। तो नेचर ऑफ रूट्स वहां पे देखते होंगे प्यारे बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4 इसी के कॉन्सेप्ट से, यदि ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है डिस्क्रिमिनेंट तो उसे आप बोलते हो रूट, मतलब रूट्स जो होते रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं, और जब ये बेसिकली इक्वल टू 0 आ जाता है तो उस केस में बोलते हो रूट्स आर रियल एंड इक्वल बोल देते हो, और जब लेस देन 0 आ जाता है मतलब 0 से छोटी वैल्यू आ जाती है तो उस केस में आप बोलते हो इमेजिनरी बोल देते हो या नो रियल रूट्स बोल देते हो प्यारे बच्चों। तो इस पर 101% प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन श्योर्ड आएगा आपकी बोर्ड में, ये बात याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, लिख के रख लो, जितने भी टॉपिक मैं बता रहा हूं उन सभी टॉपिक पर क्वेश्चन आपको 100% की गारंटी है मिलेगा। आई बस समझ में। अब हम इसके बाद आगे बात करने वाले प्यारे बच्चों, नेचर ऑफ रूट्स हमारे पास हो चुका है, इसके बाद नेक्स्ट ये हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो उसमें हमारा दूसरा टॉपिक आता है मीन्स आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे आपको गिवन होता है प्यारे बच्चों, यहाँ भी इस टॉपिक से भी वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन आ जाता है, मिडिल स्प्लिट के क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी आ जाते हैं, लेट सपोज ये रूट 3x² प्लस 5x प्लस आपका 6√3 ऐसा दिया गया है, तो उसके समय आपको नीचे मतलब रूट्स बताइए क्या होंगे, मतलब रूट्स से बताना है x और y के, मतलब x के दो वैल्यूज क्या होंगे, तो इस तरीके का भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आ जाता है, रूट लगा देते हैं तो लोग घबरा जाते हैं, तो इसलिए प्यारे बच्चों आपको ध्यान में रखना है, क्लियर होगी, आगे बढ़ना चाहेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान से बस समझिए, क्लियर होगी। अब इसके इसी तरीके से प्यारे बच्चों नेक्स्ट है, इसमें आपके भी वर्ड प्रॉब्लम आते हैं, ये याद रखना हमेशा प्यारे बच्चों, फ्रैक्शन टाइप का आ जाता है, 1/x + y, 1/x - y, ठीक है, आपने पाइप में पानी फिल किया इतना फ्रैक्शन 75, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपने देखा होगा, तो वर्ड प्रॉब्लम भी यहाँ से एक क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से मिलेगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी मेरे प्यारे भाई बहन, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम 100% क्वाड्रेटिक का आता है, बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, आई बस समझ में, इसलिए कृपा करके आप इसे अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, तो ये क्वाड्रेटिक के 2-3 क्वेश्चन टॉपिक टाइप हो गए। अब इसके बाद हम आते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर बेस, जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हम जिक्र करते हैं तो वहां पे देखो प्यारे बच्चों बड़ी सिंपल सा, जैसे आपका जो है 7th टर्म इतना है, 9th टर्म इतना है, तो आपका फर्स्ट टर्म दिया गया है तो कॉमन डिफरेंस बताओ, तो इस तरीके से जो है बेसिकली पहला टाइप में इस तरीके का क्वेश्चन आपके पेपर में एमसीक्यू में बन जाता है, क्लियर हो गया। इसके बाद जैसे इन्होंने कहा कि सर जी पहला टर्म ये मतलब ये सीरीज दी गई है, फर्स्ट टर्म आप लास्ट टर्म निकाल लेते हैं, लास्ट टर्म इतना है तो लास्ट से 7th टर्म बताओ, तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट पेपर में काफी ज्यादा प्यारे बच्चों पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों जो है अगला टॉप यदि हम बात करते हैं टाइप नंबर 1 हम बता चुके हैं आपको, वहां पे टाइप नंबर जैसे आपको यह दे दिया गया बोला सीरीज अगली 4 टर्म बताइए, तो इस तरीके का भी 2-3 पॉइंट मतलब 2-3 टर्म दे रखे हैं, उसके बाद कुछ लेते हैं आगे की सीरीज के टर्म के बारे में बात करिए, 3-4 टर्म नेक्स्ट बताइए, तो इस तरीके का भी क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद सम ऑफ nth टर्म ऑफ एनएपी का कॉन्सेप्ट होता है कि भैया थर्ड टर्म इतना है, 7th टर्म इतना है, तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताओ, उसके बारे में भी ये काफी ज्यादा जिक्र करते हैं, काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, बोलो क्लियर। इसके बाद जो है प्यारे बच्चों आपको पता है काफी ज्यादा मतलब कंस्ट्रक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी इस पर एपी के बन जाते हैं कि इतना ये था, इतना ये था, समथिंग इस तरह, तो कहने अब ये क्या था मतलब, जैसे कहने का मतलब है कि मान लीजिए सपोज आपका nth टर्म, आपका एक और कॉन्सेप्ट है ANH टर्म दे रखा है, SN दे रखा है, SN का इक्वेशन जैसे ध्यान दीजिए SN बराबर दे रखा है 3n² + 4 ऐसे कुछ दे रखा है, तो उसने कहा कि भैया कॉमन डिफरेंस बताओ, क्या बताओ आपको SN दे रखा है कॉमन डिफरेंस बताओ, इस तरीके का भी क्वेश्चन बोर्ड में काफी ज्यादा पूछा जाता है प्यारे बच्चों, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, कोई डाउट है, तो इस तरीके से या बेसिकली कह देते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इतने हैं तो फिर इस केस में आप AP बताओ, ठीक। अगला नेक्स्ट पढ़ते हैं तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अच्छा एक छूट रहा है ट्रायंगल, तो ट्रायंगल की भी बात कर लेते हैं, चैप्टर 6 जो हमारा बात है सर जी ट्रायंगल, ट्रायंगल में ये प्यारे बच्चों आप बात करती है, तो ट्रायंगल हमारा बेसिकली उस केस में हम बात करते हैं, तो ट्रायंगल में जो है प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि बेसिकली क्या पूछा जाता है, ट्रायंगल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका थ्योरम याद रखना प्यारे बच्चों, BPT थ्योरम, इस BPT थ्योरम से सर जी MCQ आपको बोर्ड में मिलेगा, BPT थ्योरम से क्या मिलेगा MCQ, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि BPT थ्योरम पर क्या पूछा जाता है, MCQ क्वेश्चंस आते हैं प्यारे बच्चों, 2 क्वेश्चन आने वाले हैं इस चैप्टर से, ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्लियर। इसके बाद जो है प्यारे बच्चों इसी में जो है आपको प्रूव दैट आता है कि ये ट्रेपेजियम है, समथिंग इस तरीके का क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा गया है,
आपका ये पी और मतलब ए बी ऐसा कुछ मान लीजिए, सपोज पैरेलल है सी डी, एक अनदर लाइन है वो, तो अब ये ए ओ अपन ऐसे कुछ बी ओ करके और फिर ए डी और मतलब ए बी अपन सी डी ऐसा कुछ मतलब प्रूफ दैट होता है, ठीक है ना। इस तरीके का क्वेश्चन काफी ज्यादा पेपर में पूछा गया है, बात समझ में आ गई कि नहीं। तो ट्रायंगल के ये खास कुछ चुनिंदे क्वेश्चन है। इसके बाद जैसे मीडियन लाइन ये है, दो ट्रायंगल है, इसका मीडियन इसके बराबर, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, फिर समथिंग इस तरीके का क्वेश्चन जो नेक्स्ट आपने 6.3 एक्सरसाइज में पढ़े हैं सिमिलरिटी का, तो वो काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम माना जाता है, क्लियर हो गया। और उस थ्योरम पर बेस आपको न्यूमेरिकल ठीक है अच्छे से लगा लीजिएगा, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ट्रायंगल आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, आई बात समझ में नहीं, एक और टॉपिक हम बता दें, चैप्टर अगला 10-7 की बात कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मेरे भाई लोग बहुत ही पसंदीदा कॉन्सेप्ट है। जैसे आपके पास चार कोऑर्डिनेट दिए गए हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो जब चार कोऑर्डिनेट दिए गए हैं तो उस पर्टिकुलर चलिए ऊपर डिस्कस कर देते हैं। फोर कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं तो उसमें ये बताना है कि ये रोम्बस होगा, स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा या नॉन ऑफ दीज होगा, तो आप उसमें प्रॉपर्टी डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल करके, ये चार नंबर में आता है प्यारे बच्चों, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसलिए जो है प्यारे बच्चों इसको बड़ी स्पीड के साथ अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके बाद इसमें एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इक्विडिस्टेंट कॉन्सेप्ट, ये पेपर में काफी ज्यादा पूछा गया है, बेहतरीन क्वेश्चन माना जाता है इक्विडिस्टेंट कॉन्सेप्ट, बोलो क्लियर होगी। एक क्वेश्चन और इसमें यहाँ से आता है प्यारे बच्चों, तीन क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में टाइप, आपका तीसरा है सेक्शन फार्मूला प्रवेश, तो सेक्शन फार्मूले पर बेस बहुत ही ज्यादा पेपर में पूछा जाता है प्यारे बच्चों, ये आपको ध्यान में रखना है। सेक्शन फार्मूले पे रेशियो निकालने के लिए तो आपको वहाँ पे एम एच टू एन की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए काफी ज्यादा पूछा जाता है, बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। अब सेक्शन फार्मूला आपने तो पढ़ा ही होगा कि दो मतलब पॉइंट है ए और बी, और उस पर एक अनदर पॉइंट पी है जो मतलब जो है उसके कोऑर्डिनेट ये है, तो बताइए कितने रेशियो में डिवाइड करेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं आपके पेपर में, बोलो क्लियर हो गया। तो ये थे कुछ आज हमारे 1 से लेकर 7 चैप्टर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, यदि आप इसे ध्यान रखते हैं और इसे अच्छे से आप ये बेसिकली रिकॉल करके अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप जरूर एक अच्छे मार्क्स को गेन करेंगे और आप हूबहू वही क्वेश्चन पाने वाले हैं जो मैंने पैटर्न आपको बताया। ओके, आगे नेक्स्ट हम बेसिकली कल ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, बाकी रिमेनिंग प्रोबेबिलिटी तक के चैप्टर के बारे में बात करेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए बेसिकली क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।